किथे? पार्टी इज ओवर भैया, सिमरन बहुत गुस्सा है, उसने सबको घर वापस जाने के लिए कहा है। उसने कहा था पार्टी इज ओवर, अब वो अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती। ऐसे कैसे नहीं मनाएगी? ये पार्टी सिमरन के भाई ने रखी है उसके लिए। पार्टी इज नॉट ओवर, कोई कहीं नहीं जा रहा। गार्ड्स, गेट बंद करो, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक पार्टी कंप्लीट नहीं हो जाती सब यहाँ पर एंजॉय करेंगे। चलो अंदर। अजीब लोग है, बहन जबरदस्ती बाहर निकलती है और भाई अंदर कैद करने की बात कर रहा है। कहीं हम किडनैप तो नहीं हो गए? किडनैप नहीं, हाउस अरेस्ट। ओ नो, अब क्या होगा? ये होया? मैं क्या? चलो अंदर। रोदा रोदा नहीं यार, मैं ना ना पुत्र, अभी एकदम ठीक हो जाएगा। ये टेटनस का इंजेक्शन है, लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन? तेरे अंगद भैया कभी लेट होते हैं क्या? तो फिर आज क्यों है लेट? वो भी मेरे बर्थडे के दिन। मौन सिमरन, मैं बिल्कुल टाइम पर आया हूँ। अच्छा, देखना टाइम, 8:12 हो गए हैं। ये देख, 8:02 हुए। मैं तो 8 से पहले ही आ गया था। 8:02? वाह भैया, कितनी कूल वॉच है, पहनाओ ना। क्या फायदा इस मैडम को इतनी कूल वॉच गिफ्ट करने का? कहने को तो एक दूसरे की परछाई हो, लेकिन पंक्चुअलिटी के मामले में एकदम ऑपोजिट। अंगद बिल्कुल पंक्चुअल और तुम हर जगह लेट ही पहुंचती हो। लेकिन मनु मामा, फैशन भी एक चीज होती है। देखो ना, ये मेरे हाथ पे कितनी प्यारी लग रही है। और टाइम का क्या, वो तो हम फोन में भी देख लेंगे। सिमरन, जो बंदा टाइम की कदर नहीं करता, टाइम उसकी कदर नहीं करता। दूसरों का टाइम भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना हमारा। इधर ला, ले। मैंने तेरी वॉच 10 आगे कर दी है, अब तू कहीं पर भी टाइम से पहले ही पहुंचेगी। ठीक है ना मम्मा? बिल्कुल। थैंक यू भैया। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपने मेरी घड़ी 10 आगे कर दी थी। सो सॉरी। और तूने इसी चक्कर में अपनी पार्टी कैंसिल कर दी। ओह गॉड, मैं तो गुस्से में आके अपने दोस्तों को भी जाने के लिए बोल दिया। शिट। अब क्या कर सकते हैं? एनीवे, तेरा बर्थडे है, बर्थडे केक तैयार है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर काटते हैं जाके केक। Stop crying. मैं अकीर के लिए आपका प्यार और आपके जज्बात अच्छे से समझती हूँ। वैसे तो आप कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, कभी भी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाते, पर जब बात अकीर की आती है तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है। हम अकीर की हर जिद पूरी नहीं कर सकते, वो तो बच्चा है, अपना भला बुरा नहीं जानता, पर हम तो जानते हैं ना, कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए बड़ों को बुरा बनना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात
मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? पता जब अकीर को दर्द होता है तो ये कमबख्त दिल बेचैन हो जाता है। आप दोनों की मेरी वजह से फाइट हो रही है ना, इसलिए अब मैंने कुछ डिसाइड किया है। अकीर की वजह से मम्मा और पापा की फाइट हुई क्योंकि अकीर ने ट्विंकल बुआ की साइकिल चलाई और वो गिर गया, इसलिए अब से अकीर कभी भी साइकिल नहीं चलाएगा। ये अकीर का प्रॉमिस है। हाँ मम्मा, अब मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। ये क्या बात हुई पुत्र? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।